देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरा देश अमृत महोत्सव को तिरंगा हर घर पर फहराया जाए, लहराया जाए, और आजादी के 75 वर्षों पर हम ये संकल्प लें कि हमारा देश और आगे बढ़े और हमारा देश दुनिया को रास्ता दिखा सके, क्योंकि हमारे देश में बहुमूल्य प्रतिभाएं या अतुल्य प्रतिभाएं लोगों में हैं, और जिसका प्रतिबिंब, जिसकी पहचान हम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखते हैं। निसंदेह उनका नेतृत्व देश को मजबूती प्रदान करेगा और ये तिरंगा पूरी दुनिया में पहचान बनाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, शोभा यात्राएं हो रही हैं, घरों पर तिरंगा फहराया जा रहा है, इसलिए कि ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। पार्टी किसी की भी कुछ भी हो सकती है, पर इस तिरंगे के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित किया, उस तिरंगे को झुकना नहीं चाहिए।